लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। मेघालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर एम अम्परिन लिंगडो ने 1 अक्टूबर 2023 को दोपहर लगभग 2 बजे शिलोंग में स्थित किटिंग रोड पर गैस विस्फोट की घटना की पीड़ितों से मुलाकात की। इस घटना में आसाम से बरपेटा की 3 स्थायी निवासी लगभग 10% से 40% तक जल गए। घायलों में से अधिक गंभीर रूप से जले हुए एक मरीज को कल विशेष चिकित्सा देखभाल के लिए गुवाहाटी रेफर किया गया। इस बीच शेष 2 मरीजों को आज बरपेटा रेफर किया जाना तय है। वर्तमान में शिलोंग की सिविल हॉस्पिटल में इलाज कर रहे 2 मरीजों की हालत स्थिर बताया जा रहे है और चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें उनकी गृहनगर के करीब एक उच्च चिकित्सा सुविधा में ले जाने के लिए सही बताया। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।